उसके तीन साल बाद करेक्ट 2022 में मैं फिर से व्लॉग बना रहा हूँ भाई। रेड कारपेट पे पहुंच गए, कमबख्तों ने हॉस्टलर्स के लिए भी दरवाजा बंद कर दिया। दिस द अगली साइड ऑफ सर सीट, खतरनाक चाम लगा हुआ इधर भी। हमको तो जीरो चांसेस लग रहा है, 0% चांसेस लग रहा है कि खाने को कुछ मिलेगा। अरे ऊपर ही डाल लेंगे अब। Assalamualaikum guys, आखिर नदीम, you're watching me on channel Ayan Khan, I'm back again with a brand new vlog। आज से मैंने तीन साल पहले 2019 में मैंने सर से अड्डे के ऊपर व्लॉग बनाया था और आज उसके तीन साल बाद करेक्ट 2022 में मैं फिर से व्लॉग बना रहा हूँ। फाइनली आयन खान एट अ सर्विस। बहुत तेज धूप है, मैंने ये जैकेट डाल ली है, मेरे अंदर से फेफड़े उबल रहे हैं, बट क्या करें। उसका नाम बताइएगा फिर से, गुलिस्तान सैयद भाई, डिटेल्स दीजिए नासिब भाई। भाई क्या होता है, बताया वीसी आते हैं। अच्छा वीसी आते हैं और फिर स्पीच वगैरह देते हैं, बट इससे पहले ये होता था कौन से एथलेटिक्स ग्राउंड में होता था, बट अभी ये हो रहा है इस बार गुलिस्तान सैयद में। क्यों? क्योंकि एथलेटिक्स ग्राउंड में पानी भर गया है। बाकी सब बढ़िया, चलते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। कितनी भीड़ है यहाँ पे। आर वी नॉट सपोज टू एंटर फ्रॉम दिस गेट? कौन से? भाई यहाँ पे खतरनाक वाला रश लगा हुआ है, यहाँ का मौसम काफी तेज है। टेम्परेचर कितना है आसिफ भाई? 72 डिग्री टेम्परेचर है और पसीने में सब लोग तैर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड में पसीना भर चुका है। टुनटुन अब्दुल्ला हॉल की थी भाई ये, आज पता चला मुझे यहाँ आने के बाद। टुनटुन अब्दुल्ला हॉल की थी। एक तालिबा को आपके सामने पेश करता हूँ, जिंदगी के मैदान में आंखें दिखाकर आगे बढ़ रही हैं। मैं गुजारिश करूंगा आज फिर जुएरिया रहमान भाई पिघल जाएंगे, भाई गर्मी पिघल जाएंगे, भाई रेड कारपेट पे पहुंच गए। वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद ताइफ। इस फाउंटेन में पानी नहीं, आज के दिन तो पानी डाल लेते भाई फाउंटेन में, क्या चला जाता, खाली फाउंटेन है। आप उस शख्स की जिंदगी का मुताला करें जो सत्तर में तहजीब उल अखा का इजरा करके सोई हुई कौम के तने मुर्दा में नकली बनकर रूह फूकने का काम किया। कुरान और इंजील का तकाबली जायजा लेकर आदमी पैमाने पर मुस्लिम नफ्सी ईसाई अखलाक को खत्म करने की कोशिश की। तराश और जुस्तजू का मुरक्का आजाद सराजी जैसा शाहकार अमल लाकर उस दौर के यूरोप को मुतासिर किया। और हमारे फेफड़े जल गए यहाँ पे पूरे, मतलब धूप काफी तेज है, ज्यादा देर हम इसको टॉयलेट कर नहीं सकते। हम बाहर निकल गए, यहाँ पे अपना काम खत्म हो गया। मेन काम तो रात में डिनर, इनको मेन काम रात में। चाबी लीजिए भाई, गाड़ी स्टार्ट करने की जद्दोजहद चल रही है, काम धाम तो चलता रहेगा। ठीक है अभी भूख लग गई है, जा रहे हैं नाश्ता करने। सुबह मेरा नाश्ता भी छूट गया, रोज छूटता है वैसे। अपना लौंडा कुर्सी पा गया भाई देख रहे हैं कहीं कुर्सी है ही नहीं। लगाइए भाई लगाइए, हम बैठेंगे, हम जमीन पे बैठ जाएंगे। जद्दोजहद में मेरा साथ देने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत खुशी महसूस होगी। जद्दोजहद चलनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। चार भाई क्या ही क्वालिटी उन्हें पे। आवर नाश्ता इज हियर। पानी पिलवा रहे भाई, क्यों रो रहे हैं? नाश्ता भी करो। अभी हम जा रहे हैं सर सैयद हाउस के अंदर, इसमें अंदर भाई पापा पापा कैच कैच कर, छूट गया। आपका भी छूट गया, किसी काम के नहीं यार आसिफ भाई। अभी हम आपको जा रहे हैं सर सैयद एग्जीबिशन लगा हुआ है, बुक्स एंड फोटोग्राफ्स अंदर। अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे मुझे? तो वहाँ पे बुक्स एंड फोटोग्राफ्स हैं उनके, सर सैयद अहमद खान के, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ए क्या कर रहे भाई, शेरवानी पहन के सब क्या कर रहे? अभी नीचे आएगा फतवा, तहजीब की धज्जी उड़ा दी। अलेक्जेंडर है क्या? नहीं कैलेंडर है भाई, मैं इसको कैलेंडर को अलेक्जेंडर पढ़ने का भाई, अलेक्जेंडर द ग्रेट आ गया यहाँ पे किताबों में। इनमें से बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया हुआ है, जो सर सैयद डे 2K19 था, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अंदर क्या, अंदर कौन सा?
लोकेशन है। हमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, अंदर कुछ बचा नहीं। यहीं पे मैं सोच रहा हूँ अपने लिए दो चार फोटोज खींच लूँ, इंस्टाग्राम पे डालूँ। और भी बहुत दूर है। और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आकिब एन करके। मेरा भी जाके आप मुझे फॉलो करिए। बे हट, मेरा भी बहुत दूर। ताम झाम के बीच में जोहर का वक्त हो गया, अभी जा रहे हैं नमाज के लिए। आज हमारा साथ देंगे आसिफ भाई नमाज में। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। शेरवानी पहने, शेरवानी की बेहरमती हो जाएगी। फिलोसफी देखिए, शेरवानी पहने तो शेरवानी की बेहरमती हो जाएगी, नमाज नहीं पढ़ेंगे। खैर मजाक कर रहे हैं, पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। शाम का वक्त हो चुका है, मगरिब की नमाज भी हो चुकी है, मैं ट्यूशन पढ़ा के वापस आ भी चुका हूँ। अभी मैं आपको तरतीब से धीरे धीरे करके दिखाऊंगा हॉस्टल में जो इवेंट्स होते हैं उनको। लास्ट में हॉल डिनर होता है, चलते हैं धीरे धीरे करके एक एक चीज एक्सप्लोर करेंगे। शर्म नहीं आ रही है आज के दिन आप कपड़ा बटोर रहे, धोबी है क्या? जूता चाहिए। ही इज आस्किंग फॉर माय शूज। व्हाई यू नीड माय शूज? यू डोंट हैव योर ओन? ऐसे इस तरीके से एमयू के जितने हॉल्स हैं सारे के सारे हॉल्स जो हैं सजे रहते हैं। ऐसे ऊपर भी ये लाइटें लगी हुई हैं। अब इसमें चाइना का जो है काफी फायदा हो गया है। I call on you, please answer me. Can't bury the thoughts that I really want. Please fill back up to quench my thirst. Would you realize what I really want? Lord, I broke down. Cause you know this. Hey, Namuno. कर क्या रहे गाइस, कितनी जद्दोजहद चल रही है। मैं शॉर्ट्स लेने के लिए छत के ऊपर से खड़ा हूँ, गिरने का भी डर है, मगर खतरों के खिलाड़ी बन गया कुछ देर के लिए, सस्ता खतरों का खिलाड़ी। शहल पहला आप देख सकते हैं कितनी भयंकर वाली है। अभी मैं अपने हॉस्टल जा रहा था क्योंकि मुझे अपने जूते बदलने पड़ेंगे। आसिफ भाई को मेरे काले वाले जूते चाहिए एंड आई हैव टू वेयर माय व्हाइट स्नीकर्स। ओए अथे राशि अपना हॉल। कमबख्तों ने हॉस्टलर्स के लिए भी दरवाजा बंद कर दिया। भाई हम हॉस्टलर्स पे भी नहीं कोई रहम खा रहा है, पूरा गेट ही बंद कर दिए। चलिए भाई, अबे तबला वबला भाई, अगर लाइट चला जाए तो मजा आ जाएगा एकदम। और ये इसी बीच में लाइट भी चली गई। ओम फो, क्या ही खतरनाक प्रैंक हुआ भाई लोगों के साथ, मजा आ गया। बड़ी मार मार को तो भक्त, कितना खूबसूरत लग रहा है अपना हॉल। स्मोकिंग किल्स, हम लोग जा रहे हैं जूता ट्रांसफर करने। दिस द अगली साइड ऑफ सर सैयद डे। पूरा गेट पे रश लगा हुआ है, स्टूडेंट्स को भी अंदर नहीं जाने दे रहे, सिक्योरिटी रीजंस के लिए हो रहा है, बट क्या ही भीड़ है भाई। ये जो इतना रश है ना इस साल, वो इसलिए क्योंकि दो तीन साल से मतलब कोविड की वजह से सर सैयद डे हो नहीं रहा था, अभी हो रहा है, इसके चक्कर में इतना ज्यादा रश है। इस तालाब में अब डुबकी लगानी पड़ेगी हमको। हम लोग के हॉस्टल्स में हॉल्स में जिस हिसाब से भीड़ है ना, मस्जिद तक तो हम लोग जा ही नहीं सकते, तो इधर सुन्नी थियोलॉजी की जो मस्जिद है उसमें हम लोग जा रहे हैं। पूरे कैंपस में रौनक है, इधर सिर्फ एक दो आदमी दिख रहे हैं। पूरा ईशा की नमाज जा रहे हैं हम लोग पढ़ने, टाइम हो गया। अभी बस जा रहे हैं, भूख लगी बहुत जोर की, अब देखते हैं खाने का क्या होगा। अभी हम आपको फ्रंटल व्यू दिखाएंगे सेंटेनरी गेट का, खतरनाक जाम लगा हुआ इधर भी। सड़क पार करने की जद्दोजहद, इनको इसी भीड़ में फोटो लेना है।
फिर अपना छोटा सब्सक्राइबर क्या नाम है, शाउट आउट टू हमजा। अपनी सारी जद्दोजहद यहीं पे खत्म हो गई है। हम आपके सब्सक्राइबर। क्या नाम है आप? नुमान। तो नुमान भाई चलो ठीक है, थोड़ा सा बोल लीजिए आप भी आ जाइए। वालेकुम अस्सलाम। ब्लॉग तो बढ़िया है आपका। चैनल का नाम क्या है? एएम खान। हां तो अंदर ही हूं मैं भी। एडिटिंग करते भाई। शुक्रिया। मोहम्मद जाफर। मोहम्मद जाफर भाई, जाफर भाई को शाउट आउट। साकिब भाई खाने का कुछ इंतजाम है क्या? 0% चांसेस लग रहा है खाने को कुछ मिलेगा। सो गाइस अभी खाने का वक्त हो गया, हम जा रहे हैं। खाली हंडो की आवाज आ रही है, खाना खत्म तो नहीं हो गया भाई। डिनर के लिए पंडाल लग गया है, लोग जमीन पर समर्पित हो गए हैं खाने के लिए। हमें खड़े खड़े आधा घंटा हो गया, खाने को मिला नहीं है, भूख के मारे हालत खराब हो रही, फेफड़े मुंह में आ गए मेरे। अभी शाउट आउट जद्दोजहद करके खाना तो मिल गया बट स्वीट डिश ही नहीं मिला, गुलाब जामुन। रात में मुझे आते आते 2 बज गया, 2 बजे मैं सोया, उसके बाद थका था, उसके वजह से मैं एडिट वगैरह नहीं किया। अभी सुबह सुबह एडिट कर रहा हूँ। आपको ब्लॉग पसंद आया तो उसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। और एक और बात, कल बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले मगर उसमें से एक ऐसा मिला था बहुत यूनिक, वो आया मेरे पास बोलता है भाई मुझे भी अपने ब्लॉग में इंक्लूड कीजिए, मतलब उसने हक से बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप में से कोई भी मुझसे ऐसा अगर चाहते हैं कि मैं उनको अपने ब्लॉग में इंक्लूड कर लूँ तो आप आके बोलिए बेझिझक, आई इंक्लूड इन माई ब्लॉग्स इंशाल्लाह। बस भैया।